क्लोज एंडेड से शुरू करते हैं एंड देन व्हेन कस्टमर ओपन्स हिमसेल्फ, खुल के बोलना शुरू करता है, तब हम उसको सवाल पूछते हाउ व्हाई डिटेल, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जब वो बोलना शुरू करता है और जब वो बोलता है तब अपना दिल साफ करता है, यस, भड़ास निकालता है, वही तो चाहिए, दैट इज व्हाट द आउटकम ऑफ प्रोबिंग व्हिच गिव्स यू एग्जैक्ट नीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमर और द प्रॉब्लम दैट कस्टमर इज फेसिंग. चलिए भाई, प्रोबिंग फनल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग. हमने अभी ये देखे कि सवाल कैसे पूछते, कितने पूछते, किस तरह से पूछते प्रोबिंग में, पर सवाल ये भी होता है कि क्या सभी कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट इतने इजी होते हैं क्या कि आप सवाल पूछते जवाब दे, होता है क्या? आजकल मेरे पास कोई इंश्योरेंस वाला कोई आता नहीं और डोंगल वाला कोई आता नहीं इंटरनेट का, वजह ये है कि सब लोग आके गए, सबको मैंने बहुत परेशान किया, सॉरी टू से, वो बहुत परेशान किया. मेरे काफी दोस्त इंश्योरेंस एजेंट है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सबके सामने, मेरे बाकी दोस्तों के सामने, इसके पास जाना बेकार है. वजह यह है कि मैं उनके लिए टफ कस्टमर हूं, टफ प्रोस्पेक्ट, वो मुझे जब सवाल पूछते तो मैं उनको सामने सवाल पूछता हूं जिसका जवाब वो नहीं दे पाते हैं और फिर एवरेज फील करते हैं, और वो जो सिचुएशन है ना, दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन फॉर एनी सेलर. कस्टमर के प्रिमाइसिस में उसके साथ आप बात कर रहे हो, वो जवाब नहीं दे पा रहे, वो जो एम्बेरेसमेंट है ना, इट्स हॉरिबल सिचुएशन. मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने उसको कभी ना कभी फेस किया होगा. और उसके बाद वो सिचुएशन जब आती, वो पॉइंट जब आता है, तब ऐसा लगता है यहां से कब उठू और भागू यहां से, लेकिन भाग भी नहीं सकते क्योंकि सामने वाला छोड़ता ही नहीं ना. अब वो ड्राइविंग सीट पे है, वो हमको ड्राइव कर रहा है और हमारी हालत वो खटारे जैसी होती है, अशोक लेलैंड की, जो चलता भी नहीं है, आवाज ज्यादा करता है ना, ऐसे हालत हो जाती है क्योंकि फिर हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं. जब आदमी ज्यादा एम्बेरेस होता है तो वो ज्यादा बोलता है, और वो जितना ज्यादा बोलता है उतना ज्यादा फंसता जाता है. दिस इज व्हाट द सिचुएशन, और उसके लिए प्रोबिंग फनल. ये सिचुएशन कब आती है, एम्बेरेसमेंट कब होती है, जब हम सवाल ढंग से नहीं पूछते. तो दूसरी बात ये है कि जब हम एक सवाल पूछते हैं तो पीछे के तीन से चार सवाल हमारे दिमाग में चलने चाहिए. देयर शुड बी अ लिंक ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज अगेन ब्यूटी ऑफ प्रोबिंग स्किल, लिंक ऑफ क्वेश्चंस. मैं आपको एक सवाल पूछता हूं तो मैं एंटिसिपेट करता हूं कि आपका जवाब क्या आएगा, अगर ये जवाब आता है तो मेरा सवाल क्या होना चाहिए, और ये जवाब आता है तो मेरा सवाल क्या होना चाहिए. There should be 3 to 4 questions जो मेरे दिमाग में back of the mind चलते रहते हैं. क्यों? I am preparing myself for the worst condition which is coming. बहुत आपको पता होगा types of customers also, सब आपने सीखा ही होगा. कुछ customers ऐसे होते हैं कि जो आपके साथ इतने friendly होते हैं शुरू में, आपको लगता है इसको तो यूं पटा लूंगा, आ जाएगा गोदल में ढक्कन लगा दूंगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़े फ्री हो जाते हो वो उसका शिकंजा कसना शुरू कर देता है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि हंसते रहता है, बोलते रहता है, लेकिन उसका शिकंजा ऐसे कस जाता है कि ना ही हम छूट पाते तो ना ही हम बोल पाते हैं, होता है ना, ऐसी सिचुएशन आती है. एंड दैट इज व्हाई प्रोबिंग फनल, प्रोबिंग फनल का मतलब है आप
शुरू में ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट से शुरू करते हैं, कस्टमर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, शुरू में आप जनरलाइज बातें करते हो ज्यादा, शुरू में जो सवाल पूछते हो वो क्लोज एंडेड होते हैं, तो हम क्या करते हैं क्लोज एंडेड सवाल से शुरू करके उसको कॉर्नर करने की कोशिश शुरू करते हैं, और साइमल्टेनियसली हम और क्या करते हैं तो सराउंडिंग में हम जनरलाइज बातें करते हैं। दिस इज द आइडियल सेल्स पर्सन, वो हमेशा इस तरह से ही शुरुआत करता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, मोर जनरलाइज टॉक्स, जिसकी वजह से जो माहौल है वो लाइट होता जाता है। जनरलाइज बातें करते हो ना तो माहौल लाइट होता है, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो ना तो कस्टमर ऑटोमेटिक फॉर्मर होता है धीरे 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 धीरे। दिस इज द ब्यूटी। तो यहां से हम शुरू करते हैं, राइट उसके बाद इंप्लीकेशन बिल्डिंग, इंप्लीकेशन बिल्डिंग। इसका मतलब यह है कि आप कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू करते हो, और अगर कस्टमर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये सोचना शुरू करते हो, कस्टमर ने ऐसा जवाब दिया मतलब क्या, और फिर आप क्या करते हो, ये फनल जो है आपकी, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इकट्ठे करते जाते हो। आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है, मतलब आपको तो पता ही आपका रूट क्या है क्वेश्चंस का, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोबी का भी इंफॉर्मेशन क्लियर कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन तो आप जनरेट कर ही रहे हो, लिख भी रहे हो, पीछे का जो आपका प्रिपेयरनेस है, आपने जो प्रिपेरेशन की है उसको आप देख भी रहे हो साथ में, और भी नए नए क्वेश्चंस आप जनरेट भी कर रहे हो। तो एक ये फनल है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे होते हैं। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन सा सवाल कब पूछना है ताकि आपको जो चाहिए वो जवाब दे। I have seen some very effective salesperson, बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसा, वो सवाल ही ऐसे पूछते हैं कि सामने वाले के पास वही जवाब देना होता है जो सेल्स पर्सन चाहता है। मतलब सेल्समैन डिसाइड करेगा था ये जवाब चाहिए मुझे, तो सवाल इस तरह से पूछेगा कि सामने वाला वही जवाब देगा, और जब वो अपने मुंह से वो जवाब देता है ना तब सेल्स पर्सन के लिए इजी हो जाता है कि उसको कैसे साइड लाइन मतलब कॉर्नर करे अपनी बोतल में फिट करे, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। एंड लास्टली कंफर्मेशन। दिस कंफर्मेशन मींस कस्टमर ने वही जवाब दिया जो मैं चाहता हूं, और फिर से मैं पूछता हूं सर यही ना आप जो बताना चाहते हो यही है ना, इसका मतलब क्या हुआ सर, मैं वही कंफर्म कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं, मतलब अब कस्टमर हिल नहीं सकता, ना नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रेडिक्शन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट Move from broad open-ended questions to more specific closed-ended questions. ये तब होता है जब कस्टमर खुल के बात करता है, जब वो खुल के बात नहीं करता है तो closed-ended questions से ही शुरू करनी। Closed-ended queries are important when the client is unresponsive to open-ended queries. कभी कभी कस्टमर बोलता ही नहीं, जवाब ही नहीं देता, तो फिर से closed-ended में जाओ, closed-ended questions पूछना शुरू करो, धीरे 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 माहौल लाइट करो, फिर से उसको open-ended पूछो। Okay. Then alongside probing, your rapport building leads to the bond of empathy. The bond of empathy was important in probing then. This clearly means you try to understand the problems of the customer. Empathy tabhi aati hai jab problems aate hain. Customer khul ke bolna shuru karta hai, jaane do yaar, ye Tata AIG ka policy liya, जाने तो रो रहा हूं मैं ना, इस तरह से बातें शुरू होती है,
और फिर वो बंदा क्या करे यार, लेना पड़ा यार, रिलेटिव था ना, बोल नहीं सकता हूँ। धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो गया उसका, एंड देन यू शो दी एम्पैथी, कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, क्या करे सर, हमारे यहाँ तो रिलेशन तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं, आपने किया कोई बात नहीं सर, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। नाउ यू आर शोइंग एम्पैथी एंड यू आर ट्राइंग टू कम नियरर टू हिम, रिलेशनशिप बिल्डिंग शुरू हो जाती है। अगेन यू आर प्रूविंग, एक तरफ आप एम्पैथी बॉन्ड कर बॉन्डिंग कर रहे हो एम्पैथी की, और दूसरी तरफ आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब ज्यादा ओपन हो जाएगा, वो ज्यादा जवाब देना शुरू करेगा, ज्यादा बोलना शुरू करेगा, भड़ास निकालेगा। ट्राई टू लिसन, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रूविंग एंड सेलिंग इज लिसनिंग। यू मस्ट गिव 60% rather more than 60% chance to the customer to talk। हमने आज तक जनरली हमारे यहाँ सेलिंग मतलब ये होता है कि सेलर बोलता रहता है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। सेलिंग इज लिसनिंग, मोर लिसनिंग एंड लेस टॉकिंग, सो दैट इज व्हाट इट इज। दिस इज द फिनोमेनन BSEA, background questions, specific problem questions, effect questions, agreement to the questions, four types of questions which are must। अगर आप probing इसको समझ के करोगे तो आपको success मिलने के chances सबसे ज्यादा है, right? Now listening skills, two important things, the very first thing is body language and the words you use, that is it. Generally आजकल तो कम हो गया, लेकिन पहले कुछ जब मैं सेलिंग करता था उस जमाने की बात करूं तो it was all unprepared things, preparation बहुत कम लोग करते थे, सेलिंग करने चले जाते थे और फिर बोलना शुरू करते तो पता नहीं चलता था क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये एक खतरनाक चीज है अगर आप बिना सोचे बात करें। And second thing is जब आप बातें कर रहे हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कैसे बात कर रहे हो, पोस्चर क्या है, गेस्चर क्या है, इज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं बहुत डिटेल में डीप में नहीं आऊंगा बिकॉज तो फिर मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, है ना। लेकिन मोटे मोटे तौर पर लेन पॉवर साइकिटेड हेड टू शो इंटरेस्ट, मतलब जैसे ऐसे नहीं बैठना है, थोड़ा सा नीचे झुक के बैठता है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कस्टमर के सामने लिखने का, लेकिन एक बात बताऊं सर, कस्टमर के सामने अगर आप लिखते हो मतलब वो जो बोल रहा है वो नोट कर रहे हो, तो उससे ज्यादा बेनिफिट्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो ये सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये लिख रहा हूँ मतलब मैं भूल नहीं सकता, मैंने बोल दिया अब उसने लिख लिया, अब मैं अगर पलटता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। और दूसरा वो भी होता है कि मैं इसके सामने जो बोला उसका उसको इम्पोर्टेंस है, मैं आ रहा हूँ सेकंड पार्ट इज इम्पोर्टेंस है, थर्ड पार्ट इज कभी हम नहीं भूल सकते। हाँ, कभी उसने क्या क्वेश्चन किया वो हम नहीं भूल सकते, वो लिखा हुआ। हाँ, और एक चीज है ना, हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसके बाद लिखते सर, जिसको रिस्पेक्ट करते हैं उसके बाद लिखते ना। तो आप जब लिखते हो तो पहली इम्पैक्ट तो ये है कि ये मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है यार, मैं जो भी बोल रहा हूँ लिख रहा है। दूसरी बात ये है, मैं बोलूंगा ये लिख रहा है मतलब मैं घूम नहीं सकता, राइट। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके,
करना ही चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसका और एक बेनिफिट कि जब आप लिखते हो ना आप रेफर बैक कर सकते हो। फिर से अगर कभी जरूरत आई देख सकते हो उसने क्या जवाब दिए। अच्छा जवाब लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप फुल लाइन लिख दिया, आपको सिर्फ पॉइंट नोट करने हैं, सिर्फ पॉइंट्स। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट। हाँ मूवमेंट की बात, कस्टमर के सामने आपका पोस्चर इस तरह से होना चाहिए, गेस्चर इस तरह से होनी चाहिए, हाथों की मूवमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि वायोलेटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब हाथ एक तो शोल्डर से ऊपर नहीं जाने चाहिए, इट शुड नेवर बी अबव शोल्डर, शोल्डर के नीचे होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये उससे ऊपर तो हाथ होने नहीं चाहिए। इट शोज योर वायलेटिंग मूड, वो नहीं होना चाहिए। अब ये बात करते हो, बहुत सारे लोग शुरू में उतने जोर जोर से बातें करते हैं, मतलब आवाज उनकी इतनी बड़ी होती है, कस्टमर को लगता है शायद ये अभी कहीं वो होते ना क्या बोल रहे हैं, वहां से तो नहीं आए, ऐसा लगता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपकी आवाज उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरी है। यू नो व्हाट शुड बी द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, कस्टमर एंड सेलर, कितना होना चाहिए? पर्सनल सर्कल से थोड़ा बाहर तो भी कितना? 3-4 feet It is ideally 2.5 feet उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 meter max, 1 meter से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर हाँ ऐसे है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते। पर ये इसलिए होना चाहिए कि जब आप कस्टमर के साथ बात करते हो तो आवाज उतनी ही होनी चाहिए जितनी उसको सुनाई, कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये होता है कि कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूं ये आदमी सीक्रेट रखेगा, जोरों से बोलोगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया को दिखा रहा है ये कस्टमर, जो भी बोल रहा है दुनिया को दिखाने के लिए क्या नहीं है, इट इज बिटवीन यू एंड कस्टमर। सो इट शुड बी योर वॉइस शुड बी नो, उसकी इंटेंसिटी उतनी होनी चाहिए कि वो सामने वाले तक पहुंचे और आपके तक पहुंचे, राइट ओके। फैशियल एक्सप्रेशन वगैरह की तो कोई जरूरत नहीं, आपको पता ही है। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, फोन कॉल्स, व्हेन यू आर ऑन कॉल डोंट टेक फोन कॉल्स, क्योंकि प्रोबिंग में फोन कॉल से बड़ा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका दिमाग है ना पूरा घुमा देगा, जो दिमाग में आपने फनेल में जो क्वेश्चंस लाए हैं ना, एक भी क्वेश्चन टिकेगा नहीं अगर फोन आ गया तो हो सके तब तक फोन बंद ही रखो, बेटर टू कीप इट पूरा बंद रखो, वाइब्रेशन की भी जरूरत नहीं, डोंट टेक फोन कॉल्स। सेकंड थिंग, अगर आपको कस्टमर को इंपॉर्टेंस देनी है प्रोबिंग में तो कस्टमर्स को आप उस तरह से ट्रीट करो, उसको भी बोलो सर आई रिक्वेस्ट फोन को ही आता है तो मत देना सर, उसके सामने अपना फोन बंद करो, उसको भी लगना चाहिए कि मैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मेरा फोन बंद करके, तो वो बंद करेगा नहीं तो क्यों करेगा। सी दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट दिस थिंग्स हैव वाइड इंपैक्ट, बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है। और आप देखो जो बड़े लोग हैं, मतलब दोज हु आर इंडस्ट्रियलिस्ट, सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इन सब चीजों को गौर करते हैं, वो हमेशा इन सब चीजों को सोचते हैं। उसके सामने आप अपना मोबाइल बंद करोगे ना और बोलोगे सर मैं तो अपना फोन बंद कर रहा हूँ, सर रिक्वेस्ट है आप फोन बंद करना जब तक हमारी बातें चल रही, डोंट वरी अगर वो बढ़ा है तो आप भी अपनी जगह बढ़े ही हो,
यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एंड नो ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होते तो स्मॉल ही होते ना, उसने पहले शुरू किया, आपने आपने बाद में शुरू किया, क्या फर्क क्या पड़ता है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो उस तरह से उसको ट्रीट करो, उसको भी लगे कि नहीं है मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे इसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। हाँ, अगर उसका इंपॉर्टेंस, उसको कुछ और चीज का इंपॉर्टेंस है तो वो कहेगा आपको नहीं मैं बंद नहीं कर सकता, तो आप बोल सकते सर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वाइब्रेशन पे रखो तो ज्यादा अच्छा है ना। मतलब क्या आप इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हो मीटिंग की, एंड प्रोबिंग आपकी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप मीटिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ाओगे, तब तक नहीं हो सकता। आपकी मीटिंग की इंपॉर्टेंस इतनी होनी चाहिए उसके लिए भी और आपके लिए भी, तभी आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी आपको एग्जैक्ट सेल मिलेगी जो आपको चाहिए। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक रिक्वेस्ट है, हम एक बार रोल प्ले और करेंगे, वही रोल प्ले, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, राइट? अगेन टू पीपल, बट दोज वी हैव नॉट कम अर्लियर वो आएंगे, और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आएंगे, जो सेलर होंगे वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, और फिर आएंगे, फिर सवाल पूछेंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब आपको जो चाहिए वो होगा। टेंजिबल प्रोडक्ट हो ज्यादा अच्छा है, इनकी बहुत बढ़िया भी है मान से लोगो भी बोलो मुझे को तो क्या है आप भी टेंजिबल की है ये देखा ही नहीं जैसे तो मैं टच ना कर सको एक इनटेंजिबल की है डॉक्टर की जो मेरे को सर्विस ले चाहिए हां एक इनटेंजिबल है जिन्हें आपने जो ही ना आप सेलर हो हाँ, तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करिए कि कौन से सवाल पूछेंगे और उसके जवाब आपको क्या चाहिए, मतलब राइट डाउन थोड़ी सी प्रिपरेशन करो, और फिर बायर को सवाल कैसे पूछने हैं, किस तरह से वही सवाल लेकिन आप किस तरह से पूछोगे ताकि वही जवाब मिले। हो सकता है एक पेशेंट के लिए आपको तीन पेशेंट पूछना पड़े, राइट? बाया कौन है थोड़ी कोई बात नहीं सर आइए आइए नेता जी सुभाष जी को तो नेता जी बोलते थे नहीं सुभाष नेता जी बोलते थे पांच मिनट में सवाल पूछने सर आपको जनरली एक सवाल जब पूछते हो तो सवाल और जवाब मिला के 30 से 35 सेकंड होते हैं, तो आप 8 से 10 सवाल पूछ सकते हो, तो कोशिश ये करो कि जो जवाब आपको चाहिए वही मिले सामने से। क्या मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसे सवाल बनाने की कोशिश करें? यस, हम कोशिश करेंगे एक सवाल की लिस्ट बनाएं। मैं जब इसका चार्जिंग का सेशन लेता हूँ तो पर्टिकुलरली कोबी में 300 से 400 सवाल लोगों से बनवाता हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी उनकी जो प्रोडक्ट है वो 300 से 400 सवाल। अब वो सवाल इस तरह से होते हैं जो मैंने बताया 8 से 9 टाइप्स बताए आपको, उनको सबको कवर करने हैं और सवाल इस तरह से बनाने हैं कि सामने वाले एक भी सवाल से, मतलब एक भी सवाल ऐसा ना हो
कि सामने वाला छूट जाए और अपने पकड़ना है, अपने पकड़ना है जो आपको चाहिए वही जवाब मिले। इंटेंजिबल का क्यों नहीं मतलब इतना प्रमोट होता है सर, इंटेंजिबल के लिए भी चार सौ बनाते हैं नहीं हमें, हमारे पास टाइम नहीं है। सही बात है, एक डेढ़ घंटे में पूरा आठ घंटे का सेशन लेना आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट और मैं मुझे पता है मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उसको। नहीं नहीं सर बहुत बढ़िया हमारे लिए तो हो गया चौकड़ी के पास है वो एक्चुअली बहुत पहले आया था जब मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम कर रहा था कई दिन कर रहा उसको लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पे ज़्यादा उसको मेरा ट्रस्ट था उसको आया था एक बार कंसल्टेंसी वगैरह प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब पब्लिक लोगों को कॉन्फिडेंस और ये जो मतलब दैट इज सेलिंग में तो सबसे ज्यादा है। सेलिंग इज अ प्रोफेशन वेयर इफ यू डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड यू कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल। सर मेरा एक मेरा इंटेंजिबल बिजनेस ज्यादा है, टेंजिबल तो मेरा समझो 10% चालू। एक्चुअली मैं और अभी वैल्यूएशन का मेरा मैंने एक लोगो ओपन किया है। अभी जैसे सर जो वीजा देते हैं जो वीजा एजेंसी होती है उसका काम आजकल मेरे पास ज्यादा है क्योंकि उनको विद इन टाइम चाहिए, आज बोला सुबह में बोला शाम को चाहिए। और दूसरे जो वैल्यू होते बहुत रिजिड होते हैं, उनको घर पर जाके विजिट करना पड़ेगा, फोटो लेना पड़ेगा, दुनिया भर की कॉन्टैक्ट कर सकते और हमारा होता उसमें मेरे पास आते आपका काम हो जाएगा शाम को तीन घंटे में हो जाएगा चलो क्योंकि विजन भी पुलिस नहीं है। सही बात है, चलो शॉर्ट में बात करो कहीं मेरे जो लड़का थे वीजा में वीजा ऑफिस बन जाएगा ऑफिस फिर ऐसा होगा सीधा बात करते हमारे काम की जैसे वो कुछ बोल इसके पहले कभी भी मैं बोल चला जाओ क्या किधर चलो तमर 20% रखे तब आगे बढ़ो। अभी ये सब प्रैक्टिस इधर बड़ा में अच्छी चल रही। अभी ये मैंने कल सूरत में अपना नया ऑफिस खोला वहाँ का मैं अभी ले रहा कितने वीजा वाले हैं तो उनका तो ऑलरेडी कोई ना कोई तो होगा अब वहाँ मुझे एंट्री मारना है मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई। आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो? सवाल पूछ रहा हूँ आपको एक चीज बताऊं सर, आप जिस फील्ड में हो अभी उस फील्ड के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, मैं थोड़ी सी जानकारी ले लूंगा उसके बारे में बाद में हम जरूर बात करेंगे। आप जो कंसल्टेंसी की सेलिंग की बात कर रहे हैं, कंसल्टेंसी सेलिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो सिर्फ विश्वास से बढ़ती है। कंसल्टेंसी में सेलिंग विश्वास से बढ़ती है और सबसे ज्यादा वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से जाती है। मतलब आप सेलिंग मार्केटिंग करने जाओगे ना तो लोग उतना विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बस सबसे यहाँ मार्केट। लेकिन एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया आपने उनको बता दिया ना तो वो और कहीं नहीं जाएंगे मेरे पास आएंगे। दिस इज जनरल थिंग। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस के बोर्ड नहीं लगते हैं
हाँ वकील का बोर्ड नहीं होता, डॉक्टर का बोर्ड नहीं होता, उसी तरह कंसल्टेंट का बोर्ड नहीं होता। सही बात है। कहने का मतलब वही है कि इट गोस माउथ टू माउथ। आपको एक बार एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद सब चलता है। तो वो कैसे करना है वो बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कब बताऊंगी, आज आऊंगा आ जाएगा वो, कोई बात नहीं। मुझे तो मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मैं आपको पहले खून दे दूंगा। ग्लास फर्नीचर हमें डेवलप करेंगे जो न्यू प्रोडक्ट वी आर इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे हमारू एक नव एक एक्सपांसन करी है ब्यूटीफुल एक नव ग्लास 100% ग्लास बेस्ड फर्नीचर हमें डेवलप करी है। तो हमारू जे छे ये वुडन बेस से स्टील बेस से हमारू जे छे ये 100% ग्लास यूनिक वस्तु है। सपोज ये तमे ट्राई करो तो ડેવલપ થઈ રહી છે આજે માણસને કોઈ બી તમે આજે રૂટીન કરતા હોય એમાં ચેન્જ મળે તો એ હેપીનેસ આવતી હોય છે તો રૂટીન થઈ ગયું સ્ટીલ છે વુડન છે એ બધાનું યુઝ કરતા યુઝ ટુ થઈ ગયા તો એમાં કંઈક નવું જો આપણે એડ કરી શકીએ કન્ઝ્યુમરને તો એ ડિફરન્ટ એની ઇમ્પેક્ટ આવી શકે એવું અમને દેખાયું છે। સપોઝ એ તો થોટ તમારામાં આવે ને તમે જો કસ્ટમરને જો કન્વિન્સ કરી શકો તો બ્યુટીફુલ બ્યુટિફિકેશન ઉપર એમાં ફ્લાવર્સ ને બહુ જ આમ રિસન્ટ તમે જુઓ તો ઇવન કોન્ફરન્સ ટેબલ ડાઇનિંગ ટેબલ્સ ટીપોય કોઈ પણ તમે એન્ટર તમારા મકાનમાં કે ઓફિસમાં કરે તો એ ડિફરન્ટલી તમને એક નવું મળે એવી પ્રોડક્ટ છે। જો તમે એ થોટ વિચારી શકો તો બહુ આઈડિયા ઘણો સારો છે અને એમાં માર્કેટ પણ એટલું કરંટ માર્કેટ કરતાં કેટલું પ્રાઇસ ઇફેક્ટ કેટલી છે એમાં અત્યારનો જે કંપની જે પ્રોડક્ટ બનાવે છે એમાં અને જે માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ છે એ બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે? 25% ડિફરન્સ છે જે અત્યારે પ્રેઝન્ટ પ્રોડક્ટ તમારી છે અને 25% મિનિમમ જે છે એ એક્સ્ટ્રા મતલબ એડિશનલ કોસ્ટ આવે એની સામે બેનિફિટ પણ છે કે ભાઈ નવી સારી પ્રોડક્ટ આજે મળે છે ડ્યુરેબિલિટી એક સ્ટેટસ સિમ્બોલ જાણે છે ને કે આજે આપણે વુડનનું ટેબલ યુઝ કરતા હોય છે ગ્લાસનું કોઈ પણ યુઝ કરતા હોય એનાથી તો એનાથી તમારું સ્ટેટસ ઇમ્પેક્ટ સારી આવી શકે અને ગુડ ફીલ તમે ઘરમાં બી હોય તો એનાથી ફીલ જે છે સોરી ટુ સે ઇટ વોઝ ઓલ અબાઉટ આસ્કિંગ ક્વેશ્ચન્સ। કઈ કામ કરું સાહેબ એક ચાન્સ હજુ આપો સમજો એમના બદલે આ પ્રોડક્ટ માટે હું સવાલ પૂછું એટલે ખ્યાલ આવે કે એમાં તમારા શેષેથી કેટલું શીખ્યા એટલે એમની પ્રોડક્ટ જે છે અરે વાહ સર એક બીજી રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે બધા કોશિશ કરીએ કે એ લોકો જ્યાં ભૂલ કરતા હોય સોરી ભૂલ કાઢવાની ભૂલ મને આઈડિયા હતો જસ્ટ સવાલ જસ્ટ ટુ હેલ્પ યુ એમને તો શું કોન્ફિડન્સ એટલે પરફેક્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપે છે
આપણે પ્રપોઝ કરવાની છે, એમણે શું કર્યું, બે સવાલ પૂછ્યા પછી સીધું પ્રોડક્ટ ને પ્રપોઝ કરી દીધું. પ્રોડક્ટ ને પ્રપોઝ જ નથી કરવાની આપણે, આપણે તો ફક્ત નીડ જ જાણવાની છે, એ કસ્ટમરને સમજવાની કોશિશ કરવાની છે, એના મગજમાં શું છે એ જાણવાની કોશિશ કરવાની છે. પ્રોબિંગ સ્કિલ ઇઝ નથિંગ બટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કસ્ટમર, હિઝ નીડ્સ, હિઝ વોન્ટ્સ, હિઝ પ્રોબ્લેમ્સ. કારણ કે એ જ આપણું ભાતું છે. જ્યાં સુધી આપણે કસ્ટમરને નહીં સમજીએ ત્યાં સુધી આપણે ગમે એટલું, હું તો કોઈ સોનું વેચવા જાઉં ને તો એ વેચવું અઘરું છે. જ્યાં સુધી તમે કસ્ટમરને ના સમજી શકો, એની નીડ ના સમજી શકો, પ્રોબ્લેમ્સ ના સમજી શકો, બરાબર. એટલે તમે સવાલ જ પૂછશો, ઓકે, તમારું પ્રોડક્ટ તમે નહીં કહો, તમે પ્રોડક્ટ કેવી જ નથી કહેવાની જ નથી, બરાબર. ડિસ્કસ એવી વાત જરૂરી છે. તમે જેમ હું રિલેટ જ કરું છું, તમે જેમ સ્ટીલ ફર્નિચર આ બિઝનેસમાં છો, તો તમે તમે ઈચ્છો છો કે તમે કંઈ નવું લાઈન ડાયવર્ટ કરો, કે કોઈ બિઝનેસ તમારો વધે, કે કોઈ પ્રોડક્ટ નવી તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો લો. યસ, ઓકે. અને હવે આમાં પ્રોડક્ટ જે અમારી પાસે છે, સમજો અમારા યુનિટે અમારા એમડી છે, એમને 30 વર્ષનો લઈને એક્સપિરિયન્સ છે, અને એમણે 5 કરોડ ઇન્વેસ્ટ કરીને પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી છે, તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને મળે કે ઇન્ડિયા, સમજો અમે અમારું રિટેલ સેક્ટરમાં પ્રમોશન ડાયરેક્ટ કર્યું છે શોરૂમ રાખીને સેન્ટર સ્ક્વેરમાં, તો આપણે અમારા ફેમિલી મેમ્બરના જો તમને ચાન્સ તમે લઈ શકો, આપી શકીએ કે તમે અમારા પહેલાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનો અને તમારા કસ્ટમરને બી એવી જ પ્રોડક્ટ મળે, તો એમાં તમે એઝ અ અમારા ફેમિલી મેમ્બર, અમારા ડીલર તરીકે કામ કરવાનું ગમશે તમને? અને તમારું આટલું સારું નામ છે માર્કેટમાં, તો તમે તમારી ગુડવિલ યુઝ કરી અને અમારી આરએનડી ટીમ યુઝ કરો અને ડોર ટુ ડોર આપણી પ્રોડક્ટ વેચાય, એમાં તમે આપણે હેલ્પ કરી શકશો. અને આમાં સમજો કોસ્ટ વાઇઝ તમારા દિમાગમાં આવતું છે કોસ્ટનું શું, પણ કોસ્ટ એવું છે કે જે બેર કરવું તો અમારા કંપનીએ કરી લીધું છે, તમારે તમારું માર્જિન લેવું છે. સમજો આજે જે વસ્તુ ઇન્ડિયામાં છે જ નહીં એ વસ્તુ અમે આપીએ છીએ, તો એ તમારી ગુડવિલ ને તમારું આટલી સારી ટીમ છે, ઇન્ડિયા બરોડામાં તમારું નામ છે, તો એ તમારું માર્કેટિંગ તમે તમારી ટીમ યુઝ કરીને તમારી પ્રોડક્ટ એડ થાય, તમે બરોડાથી ચાલુ કરો, ગુજરાત તમને આપી, ઇન્ડિયા સુધી તમે જઈ શકો છો. તો આમ અમારું ટાર્ગેટ તો 200 કરોડનું છે, તો એમાં સમજો તમે કેટલું મેક્સિમમ પ્રોડક્ટ વેચી શકશો અને કેટલો પ્રોફિટ લઈ શકશો, એ આપણે જોઈન્ટ બેસીને ડિસ્કસ કરીને કામ થઈ શકે છે. આપણે બધાએ જ બહુ મહેનત કરવાની જરૂર છે. અને એક રિક્વેસ્ટ છે મારી કે જો તમે લાઈન પર વિચાર કરવાનું શરૂ કરશો ને તો ફટાફટ સવાલ આવતા જશે અને સવાલ લખતા જ એક બેંક તૈયાર કરો, ક્વેશ્ચન બેંક. નાઉ એક વખત તમારી ક્વેશ્ચન બેંક તૈયાર થઈ જાય ને પછી કયા કસ્ટમર સામે કેવો સવાલ પૂછવો છે એ તમને એમાંથી મળી જ જશે. બીજી એક વાત એવી છે કે સવાલની સાથે સાથે જવાબ પણ લખો કે તમારે શેની અપેક્ષા છે, કયા જવાબની અપેક્ષા છે. તમારો સવાલ પૂછવાની જે સ્કિલ છે ત્યાં જ છે કે તમે કઈ રીતે જોઈતા જવાબ લઈ શકો. વોટ યુ વોન્ટ ધેટ આન્સર કસ્ટમર શુડ ગિવ. અને જ્યારે આપણે ત્યાં પહોંચીશું ને પછી સેલ ઇઝ લાઈક ધીસ, ફટાફટ પાણીની માફક સેલ આવે. કારણ કે કસ્ટમરને બીજો કોઈ ચારો જ નથી. અચ્છા, નીડ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. નીડ ના હોય તો પછી અલગ વસ્તુ. ના, નીડ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. ઇન ફ્યુચર તો હોવાની. ના, ફ્યુચરની વાત નથી, એટલે સુધી કહું છું
કે તમે ગરીબ માણસ પાસે જઈને પણ એસી વેચી શકો છો. નીડ ઇઝ ઓલવેઝ દેર, ઇટ ઇઝ ધ મેટર ઓફ હાઉ યુ જનરેટ ધેટ નીડ. અનકવર ધ નીડ, એના પર એક એક પાથરેલું સોરી એક હા લેયર છે એના પર, બરાબર છે. એ લેયર ને હટાવવાની જરૂર છે અને એ ક્વેશ્ચન્સ થી જ થઈ શકે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધીસ આપણે કોઈ ભી એટલે કોઈ ભી માર્કેટિંગ કોઈને ભી કરતા હોય તો ક્વેશ્ચન્સ આર ધ દે આર ધ કીઝ કીઝ. તમે કેવા સવાલ પૂછો છો એના પર જ તમારો સેલ છે સાહેબ. સવાલ એ જવાબ છે. ચાહે વન ટુ વન હોય, ચાહે 50 લોકો હોય, ચાહે 100 લોકો હોય, ક્વેશ્ચન જ એ બહુ. અને ડાયરેક્ટ આપણે પ્રોડક્ટ નું ડેમોન્સ્ટ્રેશન, હું તો કહું છું આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઘણી વાર ચાલુ કરી દઈએ, એના કરતા ક્વેશ્ચન્સ થી ચાલુ કરીએ. એક્ઝેક્ટ ક્વેશ્ચન થી ચાલુ કરો, ક્વેશ્ચન થી ચાલુ કરો, ક્વેશ્ચન થી ચાલુ કરો. તમે ડાયરેક્ટ વાર્તા ચાલુ નહીં કરી શકો. અને ઓટોમેટિક ઓટોમેટિક લોકોના મનમાં થશે શું હશે યાર, શું હશે સવાલ આવવા આવે છે અને જવાબ શું હશે, અને જો આ જવાબ છે તો પછી આ વસ્તુ શું છે. ક્રિએટ સમ નો એના એના મગજમાં એવું કંઈક સાચી વાત હોવું જોઈએ. ચલો આ કંઈક નવું છે, કંઈક નવું છે, એને જાણવાની ઉત્કંઠા વધવી જોઈએ, ઉત્સુકતા વધવી જોઈએ. તો ઓટોમેટિક જ્યારે તમે અનકવર કરો ને તમારો પ્રોડક્ટ, જ્યારે તમે પ્રપોઝ કરવા માટે અનકવર કરો, તો ઓટોમેટિક સામે એને લાગે કે આ તમારી જરૂરિયાત છે. ડબલ જે સમજીને જ આપણે આન્સર તૈયાર કરીએ. એક્ઝેક્ટલી, કે ક્યાં માર ખાવાનો છે ડબલ શોધવામાં. યસ, ક્વેશ્ચન બેંક તૈયાર કરી. બહુ સરસ. એનીવેઝ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થાય છે શું, ક્વેશ્ચન બેંકની બદલે એટીટ્યુડ એવા છે કે આગળ વડે સાંભળો જ તૈયાર નથી, થોડો જ તમારા પ્રશ્નમાં સામાન્ય પ્રશ્ન કે એસી સાથે અમે એક ફર્નિચર વાળાને આપ્યો એને બહુ ખરાબ કરી. ઇટ્સ માય પ્લેઝર ધેટ ઓલ ઓફ યુ કુડ લિસન ટુ મી. તમારો મોબાઈલ નંબર 982-4444 352. બીજો છે 9227-22993. આઈ એમ ઓલવેઝ અવેલેબલ 24 hours. ઇન કેસ તમે ફોન લગાડો અને ફોન ના ઉચકાય તો સમજો હું સેશન માં છું. બટ આઈ વિલ સર્ટનલી રિવર્ટ બેક ટુ યુ. કેક સેલ્સ માટે બેઠા છું ખ્યાલ આવી જશે. બટ યસ, આઈ વિલ ટેલ યુ ધી સ્પેક્ટ્રમ ઓફ માય ટ્રેનિંગ. આઈ વેન્ટ ટુ એટીટ્યુડ્સ બિહેવિયર્સ બેંકિંગ સેલ્સ બેંકિંગ પ્રોડક્ટ સેલ્સ રાધર દેટ ઇઝ ટ્રેનિંગ ઓન યુ બેંકિંગ પ્રોસેસિસ ઇંગ્લિશ ટ્રેનિંગ દેટ ઇઝ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટ્રેનિંગ દેન સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ negotiation skills health and wellness it's a new program yeah it's a new program and I am also into content development. I have developed more than 35 subjects up till now
I am a trainer with GEB. I am a corporate trainer of GEB. And with Malpani Group. Thank you. With so many other companies. I am a ICICI bank trainer as of date. ICICI bank mein pichle 1.5 saal se kar raha hu training. So it's all about me. आपको अगर कभी भी आप फोन करते हो नहीं मिलता है तो समझ लीजिए मैं सेशन में हूँ, सेशन खत्म करके बात करूँगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. देरी से आया तो उनके लिए बता दूँ कि सात के पाँव में फूल आई है, नाक को निकल गया है. उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा या ऐसा आया सब आ गया. और कल आपको सारे नौ के बाद में फाइनल हुआ, कल तीन लोगों के साथ मेरा कैंसिल हुआ इसलिए कल लेट थोड़ा कम्युनिकेशन हुआ था. ये पूरा सेशन का क्रेडिट जाता है आनंद परिंगे जी के, क्योंकि उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन करवाया. पूरा जो प्रेजेंटेशन वगैरह है वो कल रात को 10 बजे के बाद बनाया. नहीं वो रियल पॉइंट जुड़ गया, ये जो प्रैक्टिकल बात है वो कई बार मिस हो जाती है. तो आपको ये सेशन में मजा आया? बहुत सारे चाहते हैं इसका कंटिन्यू करें? हाँ चाहते हैं. तो हम लोग कब टाइम पे आना शुरू करेंगे? टाइम कंसर्न, टाइम कंसर्न वो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं सर, लेकिन मैंने आधा सुना इसलिए. आपकी बात नहीं है, आपने ले लिया, कोई नहीं था, एक को जानते हैं. अगर हमको मैक्सिमम फायदा लेना है लेकिन होता ओके चलिए अभी नेशनल एंथम के लिए खड़े जाते हैं और